राजेश्वर सिंह मंत्री बनेंगे ये तय है, और इसके अलावा और तमाम नाम असीम अरुण, बीबी रानी मौर्य हम आपको बता रहे हैं, अरविंद शर्मा, एके शर्मा वो अंदर है। एक बार फिर जरा आपको स्टेडियम के अंदर लेकर के चलते हैं फिलहाल, जहां पर मौजूद है पवन नारा, वहां लोगों के बीच में किसी नाम पर कुछ कहना हो तो बोलिएगा पवन, लोगों से बात भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो हमें सूत्र बता रहे हैं वहाँ डिप्टी सीएम को लेकर अभी जो शर्मा जी का नाम है उसमें संशय बरकरार है, और हो सकता है कि उसमें आपको एक सरप्राइज मिले, क्योंकि कल से ये खबर आ रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम रिटेन किए जा सकते हैं, लेकिन आज का सरप्राइज यहाँ से आ सकता है। दूसरी बात, जनता अब यहाँ सब्र कर रही है, यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। सर फोटो बाद में, पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य कहा जा रहा है कि दोबारा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और मंत्रिमंडल में क्या उम्मीदें हैं आपको? बनेंगे पक्का है। पक्का बनेंगे आप? केशव जी बनेंगे पक्का। बने आज यहाँ आना आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आए हैं, मौका मिला आने के लिए। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो बाबा जी हैं बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। तो अपने आप में अलग है, बाबा से अभी बात हो रही थी, 70 साल के आसपास उम्र है अभी तक किसी शपथ ग्रहण में नहीं आए, अब की बार आए हैं, क्यों आए हैं? अरे आए हैं, ऐतिहासिक प्रचंड जो है जीत हुई है, क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी, और प्रदेश का पहला ये वो है कि दूसरी बार ये जो सरकार जो है भाजपा की आई है, हाँ योगी जी फिर जो है दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हाँ ये जान करके हम लोग को बड़ी खुशी हुई। तो हम लोग भी क्या नाम है कि इसमें थोड़ा शरीक होने के लिए कारण है, खुशी से पहुंचे जी। सौरव जी, नौजवान अक्सर नारे लगाते हुए पहुंचते हैं, लेकिन बुजुर्ग माताएं और बहनें पहुंचे तो आप समझ सकते हैं। सर आप कहां से आए हैं? सर मैं बदायूं से आया हूं, और मेरा तहसील बिसोली पड़ती है, मंडल आसोपुर से आया हूं मैं। तो आज यहां जब आप इतने करीब से शपथ ग्रहण को देखेंगे, क्या मन में भाव आ रहा है? मन में भाव ये आ रहा है कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे लिए योगी जी ने यहां बुलाया। हम वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पहली बार मिले कि उत्तर प्रदेश में दोहरा के बने। हाँ। तो अपने आप में बड़ी बात है कि दोहरा के बने। जी सर बधाई से है। बधाई से जी सर, और पूरा उत्साह हमारा पूरा एकदम, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष सभी एक योगी बाबा की जय, भारत माता की जय है, योगी बाबा की जय है। एक बात तय है कि योगी और मोदी दो ऐसे नाम हैं जो कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं, और उसी का असर यहां दिखाई देता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में तो उत्साह होना बिल्कुल लाजमी बात है, और आजकल जिस तरीके से पार्टियां आयोजन करती हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण जैसे समारोह को भी इतना भव्य बना देते हैं, उसमें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को आमंत्रित करते हैं, तो जाहिर है कि उनका तो उत्साह जो है वो बढ़ेगा। नाम आप देखते रहिए, पूरन प्रकाश ये अंदर जा चुके हैं, मंत्री बनेंगे, बलदेव सीट से विधायक हैं पूरन प्रकाश, इनके अलावा प्रतिभा। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी। अब इनका परिचय तो मैं आपको देने की जरूरत नहीं समझता, कन्हैया जी बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, धन्यवाद साहब। जय जी, आपने योगी जी की शान में बहुत कुछ कहा है, गाया है, लिखा है, और आज योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में। कभी ये करिश्मा नहीं हुआ आज तक कि 5 साल कोई व्यक्ति सरकार चलाए और दोबारा आए। जी क्या कहेंगे आज? देखिए ये जीत योगी के साथ भाजपा के साथ साथ सनातन की जीत है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भली भांति समझा ये लोगों ने कि हमने किस तरफ जाना है। अयोध्या का अभूतपूर्व फैसला, काशी का सजाना और मथुरा को जड़ने में जोड़ना, ये बहुत कामगार साबित हुआ है, और साथ ही साथ यूपी के अंदर जो गुंडा राज था जिसको खत्म किया, रात को भय से निकलता था जो भी निकलता था वो भय खत्म कर दिया, माफियाओं को उनकी सजा दिलवाई, ये चीजें मायने रखती हैं, तभी योगी 2.0 हुआ है और योगी 3.0 भी होगा। नहीं तो अभी तो आपको सुनने वाले जो आपके प्रशंसक हैं आपसे बस वही सुनना चाहते हैं जो आप चुनाव के दरमियान गा रहे थे। जी जरूर सुनाऊंगा मैं सभी, आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे जी। तो बस इंतजार कर रहे हैं। लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से, हम भगवान लहराएंगे यूपी में फिर से, हम भगवान लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई आज शपथ ग्रहण की। बहुत शुक्रिया कन्हैया जी अपना समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। कन्हैया मित्तल, उनका एक गाना जो है बड़ा पॉपुलर हुआ था चुनाव के बीच में, खासतौर पर भाजपा समर्थक जो हैं उनके लबों पर ये गाना आपने अक्सर सुना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।